हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आप सबसे ये बात शेयर करते हुए कि हमारी टीम थ्योरी टू प्रैक्टिकल बुक फेयर में पार्टिसिपेट कर रही है। जी हां, नेशनल बुक फेयर जयपुर में पार्टिसिपेट कर रही है। और जो भी आप आ सकते हैं इस मेले में जयपुर के या फिर जयपुर के आसपास के क्षेत्र के लोग ज़रूर इस मेले में आए, जिसमें ना केवल आप थ्योरी टू प्रैक्टिकल की बुक से और उनकी टीम से मिलेंगे, बल्कि साथ में ही आप जैसे बाकी जो पब्लिशर्स की बुक है, बाकी स्टडी मटेरियल और बाकी आपके स्टेशनरी आइटम हो गया, बाकी मोटिवेशनल बुक्स हो, तो उनके बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिलती है। और इस प्रकार की बुक फेयर स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जानकारी थ्योरी टू प्रैक्टिकल के स्टॉल के बारे में, तो कैसे कैसे मिलना है, क्या क्या टाइमिंग है, क्या क्या डेट है, कौन कौन सी बुक्स हम लोग यहाँ पे जो है प्रेजेंट करेंगे और वीडियो लेक्चर्स हम प्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप समझ लीजिए कि डेट क्या है। डेट है 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक का है, और जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी आपकी 11 बजे से लेकर लगभग 8-9 बजे तक ये खुलता है बुक फेयर। कहाँ पर है ये? विधानसभा के जस्ट अपोजिट, विधानसभा के जस्ट सामने जो अम्बेडकर सर्कल है, बड़ा सा एक ग्राउंड है, वहाँ पे बुक फेयर जो है वहाँ पे होगी। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है जयपुर बुक फेयर या फिर नेशनल बुक फेयर जयपुर, इसका नाम है। अब ये जान लीजिए हमारा स्टॉल नंबर क्या है। हमारा स्टॉल नंबर है B4। और इस हमारे स्टॉल से रिलेटेड या फिर कुछ भी आप जैसे मान लीजिए आसपास से आ रहे हैं, कुछ भी आने में आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 8949375996। तो इसमें आप हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ आपको इंट्रो दे देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स हम लोग इसमें पब्लिश डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एक तो ये बुक है ये हमारी 17 टूल्स टू रॉक द एग्ज़ाम, जो एक हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए, जिसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम में सक्सेस जो है माइंडसेट और टेक्निक का गेम है। मतलब आपको माइंडसेट पॉजिटिव रखना है और क्या क्या टेक्निक्स चाहिए, कि टाइम कैसे मैनेज करना है, तेज कैसे पढ़ना है, कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ानी है, याद कैसे करना है, वो तमाम बातें इस पुस्तक में है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए, आप चाहे 5th क्लास से PhD हो या फिर आप कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है 17 टूल्स टू रॉक द एग्ज़ाम। और इसको आप मेले में और देख सकते हैं। दूसरी हमारी जो बुक है वो है कुंडली गणित। ये भी बहुत ही यूज़फुल बुक है, जो आप डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए रेलवे की कर रहे हैं या फिर SSC की कर रहे हैं या फिर बैंक की कर रहे हैं, तो उसमें कुंडली बुक है। ये विश्व की पहली कुंडली पुस्तक है और इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया हुआ है, और ना ही जो आजकल जो बहुत सारी शॉर्टेस्ट चल रही है उसको यूज़ करके। इसमें बेसिकली एक कुंडली रहती है और इससे सवाल एक ही कुंडली से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है, और बहुत ही फटाफट इससे काम होता है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है। तो इस पुस्तक के बारे में आप देख सकते हैं। दूसरी जो हमारी पुस्तक है ये वोकैब की है, 21 डेज एक्शन प्लान टू पावरफुल वोकैब। ये इंडिया की पहली रिसर्च बेस्ड बुक है। तो इस बुक की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जनरली जो आप जैसे वोकैब की बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या रहता है कि लेटर ए और उसके बाद सिनोनिम्स दे दिए, फिर एंटोनिम्स, फिर बी, फिर सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स। इस प्रकार से बताया जाता है जैसे हमारा दिमाग नहीं, हमारा पेनड्राइव दिमाग है, क्योंकि उसमें डेटा हम उसमें फिल कर रहे हैं। बट इस प्रकार से आप कुछ चीज़ें याद नहीं होती, आपको चीज़ें कैसे याद होंगी उसके हिसाब से ये पुस्तक लिखी गई है, जिसमें इसको ऐसे बताया गया है कि अगर आपको सही में इंग्लिश सीखनी है तो यू हैव टू एक्ट लाइक नेटिव स्पीकर। मतलब उन शब्दों को आपको किस प्रकार से बोलना है, उसमें किस प्रकार से सोचना है, कैसे उसमें लिखना है, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसको डेली लाइफ में यूज़ करना है, जिससे वो वर्ड्स आपके पक्के हो सके। तो वेरी यूजफुल बुक फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर SSC, CGL, CPO और बैंक और क्लैट टाइप ऑफ एग्जाम्स। तो ये पुस्तक है, इसके बारे में आप देखेंगे इस मेले में। और अगेन एक और बुक जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस, और ये भी एक बहुत यूज़फुल बुक है। ये भी इंडिया की पहली रिसर्च बेस्ड बुक लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आपको इडियम्स रियली में उसको याद कर सके। और एक बार इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो भी आप इडियम पढ़ेंगे उस पर आप वर्क करेंगे तो आपको आसानी से सारे इडियम फ्रेजेस याद होंगे। तो एक ये पुस्तक है हमारी, और एक ये पुस्तक है जिसको आप देख सकते हैं, ये है योर जर्नी टू BTech, जिसमें प्रिपरेशन, एडमिशन और करियर। ये इंडिया की पहली ऐसी पुस्तक है जो 10th, 11th, 12th में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, BTech करना चाहते हैं इन जनरल, तो उसके लिए गाइडेंस के लिए बुक लिखी गई है, जिसमें 3 भागों में ये बुक डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रिपरेशन,
एडमिशन और करियर। तो प्रिपरेशन इसकी कैसे करनी है, कहाँ बच्चे गलती कर रहे हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसमें बताया गया है। फिर जब आप एडमिशन लेंगे उस प्रोसेस में बुक बहुत यूज़फुल है कि भाई कौन सी IIT लेनी है, कौन सी NIT लेनी है, ब्रांच किस प्रकार से सिलेक्शन करना है, कॉलेज का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, वो सारी जानकारी इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद करियर, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिए, उसके बाद आपने किस प्रकार से अपना करियर को बनाना है और जो एक्सपर्ट लोग क्या कह रहे हैं, काफ़ी जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी। तो इस जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, BTech करना चाहता है, तो उसके लिए बुक है योर जर्नी टू BTech, इसको ज़रूर देखें। और एक और हमारी मैगजीन है फिजिक्स ट्री, ये हमारी मैगजीन है फिजिक्स ट्री, और ये बहुत ही अच्छी मैगजीन है। और इसमें जो डिफरेंट है, इसकी जो स्पेशलिटी है, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताया गया है कि फिजिक्स को इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है, समझ में आता है कि डेली लाइफ में किस प्रकार से फिजिक्स जो है अप्लाई होती है। तो जैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसमें इस रोबो कार के ऊपर है, एक ऐसा रोबोट हमने बनाया है जो टेबल पर रख देते हैं तो वो चलता रहता है, पर जैसे ही उसमें किनारा आता है, एज आता है, तो वो मुड़ जाता है, जिसको हम एज डिटेक्टर रोबोट बोलते हैं। तो उसकी पूरी वर्किंग बताई है और उसमें फिजिक्स के कैसे कॉन्सेप्ट लगेंगे वो बताया है। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, किस प्रकार से टायरों में टॉर्क लगता है, तो उसके बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फ्रिक्शनल फोर्स किस प्रकार से टॉर्क लगाती है, किस प्रकार से पहिया घूमता है, और काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी की बात, मैग्नेटिज्म की बात, काफ़ी बातें इसमें पढ़ते हैं आप। और एक ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें ग्राफ वाला, कि अक्सर जो आपके एग्ज़ाम है, जैसे आप मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर IIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आप इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं हमने, तो उसको आप समझते हैं, तो आप कोई भी ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट पर आधारित आराम से हम सवालों को कर सकते हैं। और उसके बाद में जो हमने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं ग्राफ पे बेस्ड, उसको हमने इसमें करवाया हुआ है। तो ये पुस्तक को आप, ये जो मैगजीन है बहुत ही अच्छी मैगजीन है फिजिक्स ट्री, कलरफुल मैगजीन है, और बहुत ही इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड फिजिक्स को कैसे अप्लाई करना है, कैसे सोचना है, कैसे विजुलाइज करना है, तो उसके हिसाब से ये भी एक यूनिक बुक है, यूनिक मैगजीन है फिजिक्स ट्री, इसको आप ज़रूर देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं YouTube के माध्यम से, और वो हमसे मिलना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि पूरा कोर्स इनका किस प्रकार से है, तो उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर है रहेगा स्टॉल में, तो आप मान लीजिए लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीड की तैयारी कर रहे हैं या फिर RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं आप, या SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब वीडियो लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं, क्वालिटी को जांच सकते हैं और कोर्स को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से, ये मैंने आपको बता दिया बुक्स कौन सी है, 17 टूल्स हमारी बुक है, कुंडली गणित है, वोकैब है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, BTech वाली बुक है, और फिजिक्स ट्री वाली बुक है। और इसके साथ में जो वीडियो लेक्चर्स जो इन कोर्स के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो है, एक तो लोको पायलट का हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, एक RRB JEE की बात है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो कंडक्ट कराता है जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम, एक SSC JEE जो SSC कंडक्ट करा रही है उसका हमारा जो कोर्स है, फिर जो आपके एग्ज़ाम में SSC CGL है, CPU है, CHSL है, MTS है, इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए जो हमारा स्टडी मटेरियल है, और जो रीट है और बाकी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो उसके जो हमारा वीडियो कोर्स है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर आइए, ज़रूर मिलिए, बहुत अच्छा मौका है, किसी भी मेले में जाते हैं इस प्रकार के बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो कई मेलों में गया हूँ, जैसे दिल्ली में प्रगति मैदान में जो मेला लगता है वहाँ पे भी हम लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो इस जयपुर वाले फेयर में भी आप ज़रूर आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें। और बाकी जो डिटेल्स है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 29 to 3 December कभी भी आप इस मेले में आ सकते हैं। तो दोस्तों जयपुर और जयपुर के आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कनेक्टेड है, वो ज़रूर इस मेले में आए, और मिलते हैं आपसे 29 to 3 December में, टाइम है 11 to 8 PM लगभग, और अम्बेडकर सर्कल जयपुर में। तो उसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और मिलता हूँ आपसे मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।